अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग, जान होंगे कैसे होंगे। तो व्लॉग शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो आज मौसम काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बना हुआ है क्योंकि आसमान में बादल हैं। मैंने आपको व्यू दिखाया एक बार, मैं दोबारा आपको दिखाऊँगा व्यू। तो चेक कर, आसमान में बादल हैं। तो पहले हल्की हल्की बूंदाबांदी हुई थी, बस एक दो मिनट हुई है बारिश के, एक दो दिन कतरे गिरे हैं। तो मैंने कहा कि भाई साहब आज बारिश आएगी, रात को फिर ठंडी हवाएं चलेंगी, मौसम ठंडा होएगा, मज़ा आ जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बस एक मिनट बारिश आई और हमारे सूरज भाई साहब दोबारा से फिर से निकला है और इन्होंने बादलों को गेट आउट कर दिया। तो बस एक दो बादल रह गए, आप देख सकते हो व्यू काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। वो सूरज ऊपर और नीचे रेड रेड बादल नज़र आ रहे हैं, तो काफ़ी ब्यूटीफुल व्यू है। तो कैसा लग रहा आपको मेरी कॉमेंट में बताइएगा ज़रूर। यहाँ पर मेरी ये खड़ी शर्ट और वो रही पैंट, तो ये सूख रही है। कल मैं जा रहा हूँ काम पे, तो आज इसको सूख जाना था, लेकिन धूप, मैंने आपको बताया पहले कि कोई बादल, तो इस साइड पे देखिए, यहाँ से देखें अगर आप, यहाँ पे इस साइड को काले काले बादल हैं। अब तो जा रहे हैं, पहले बहुत ज़्यादा आ गया था, बस मैंने कहा ना कि एक दो मिनट बारिश हुई और फिर उसके बाद ख़त्म, दोबारा बारिश नहीं हुई। तो रात को शायद वो बारिश, तो सामने वो जो छोटी चिड़ी होती है उनका झुंड उड़ रहा है, अगर आपको नज़र आ रहा होगा। तो मेरा इतना मोबाइल की क्वालिटी अच्छी नहीं है कि मैं जूम करूं, तो ये मैं वीडियो फ्रंट कैमरे से बना रहा हूं, बैक कैमरा मेरे मोबाइल का ख़राब है। तो अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे वो छोटी छोटी चिड़ियों का झुंड, तकरीबन ये 50-60 चिड़ियाँ हैं जो छोटी छोटी हैं। तो हैदर जा रहील के पीछे, रहील कहीं कुत्ता ले के फिर पता नहीं कहाँ पर चला गया। तो जो हम सायों के लड़के हैं, छोटे बच्चे रहील, उनके ऊपर कुत्ता छोड़ देता है, तो फिर वो शिकायत ले कर हमारे घर आ जाते हैं। तो कल यार हमारे घर आई थी मेरी सिस्टर और उसके साथ उसका बेटा भी है, तो मैं आपको मिलवाता हूँ उससे। तो वो एक डेढ़ मंथ का हो गया, तो मैं मामू बन चुका हूँ, तो मैं आपको अपना भाने दिखाता हूँ। तो ये आ चुके हैं हमारी वीडियो के चीफ गेस्ट, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहे, तो मैं ये सोया पड़ा था, तो मैं इसको उठा के आ गया। अभी ये रोना शुरू कर देगा, ओए रोना नहीं है, रोना नहीं हो। तो अभी भाई इसको गुस्सा आ रहा, इसको मैंने उठा दिया, बड़ा गुस्सा कर रहा, सबर सबर गुस्सा कर रहा भाई बंदा। तो ये लो रोना शुरू हो गया वो, तो भाई इसकी अम्मी को ही दे देते हैं, ये हमसे नहीं संभलेगा आवाज। भाई साहब अनस तो रोने लग गया था, मैंने उसकी अम्मी को दे दिया। उसका नाम है, आपको बताने बोल के, उसका नाम है अनस। तो वो हो चुका है कितने, एक महीने और 10 के पता नहीं 15 दिन का है। तो आप मुझे कमेंट बताइएगा कि कैसा लगा आपको नाम और मेरा भांजा। तो यहाँ पे मेरी अम्मी आज शॉपिंग करके आई उसके लिए। तो एक ये है बेबी प्रोडक्ट, तो इसमें एक होता है शैम्पू होता है, ऑयल होता है, एक पाउडर और एक ये इसको क्या कहते हैं साबुन। तो ये बेबी के लिए, स्किन के लिए बेस्ट है, तो ये लेके आई अम्मी। तो ये मिला हमें, पता नहीं कितने का मिला, ये नहीं मुझे पता। तो ये कुछ अनस की ये ड्रेस है, एक ये है और एक ये ड्रेस है। तो अभी भाई अनस की शॉपिंग रहती है थोड़ी, अभी और इसकी शॉपिंग करनी है, तो मैं जा रहा हूँ काम पे, तो वहाँ से मैं उसके लिए कुछ गिफ्ट लेके आऊँगा। इस्लामाबाद जा रहा हूँ मैं, वहाँ पे मैरिज हॉल में काम है, तो वहाँ पे जा रहा हूँ मैरिज हॉल में। तो मैं जा रहा हूँ मोबाइलों वाली शॉप पे, वहाँ पर मैंने आपको पहले भी दिखाया कि अपने व्लॉग में मुजाहिद भाई के पास, तो वहाँ पर मैंने क्या करना, सबसे पहले कराना लोड मोबाइल का पैकेज, भाई नेट का कल का ख़त्म हो गया है, तो नेट पैकेज लगाना है और एक दो काम और हैं। तो यहाँ पे समिया टूटी पे खड़ी है, पता नहीं क्या कर रही है, कपड़े चेंज कर लिए कल, क्या हालत होगी तेरी, आज स्कूल क्यों नहीं गई थी हैं? आज भाई स्कूल नहीं गई, कह रही थी कि मेरी टांग में दर्द है। असल मसला ये था, इसके मामू की आ रही शादी, तो इसकी अम्मी ने जाना शॉपिंग करने, तो इसलिए समझ रही थी कि मेरी अम्मी शॉपिंग करने जा रही है मुझे अकेला छोड़ के। तो इसने कहा भाई मेरी टांग में भाई दाना निकला, मैंने नहीं जाना, तो इसलिए इसकी छुट्टी होगी समिया की। घर के सामने जो कपास मैंने आपको दिखाई थी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, तो ये जो बाढ़ लग रही थी ये कंप्लीट हो चुकी है। तो सामने छोटे बच्चे देखिए खुगियाँ चुन रहे हैं, जो लकड़ियों के नीचे जो उनकी जड़ें रह जाती हैं, उन्हें मैं अपनी ज़बान में खुगियाँ कहते हैं, वो बच्चे चुन रहे हैं। तो ये सर्दियों में यूज़ करेंगे, अभी तो गीली होंगी, तो जब वो सर्दियों में जब सर्दी आएंगी ना तो ये सूख जाएंगे। तो अभी वो खुगियाँ चुन रहे हैं, वो देखिए वहाँ पर बच्चे आपको करने, तो वो छोटे छोटे सारे बच्चे अपना अपना गट्टू ले कर घर से आए हैं और खुगे की चुनाई कर रहे हैं। यहाँ पे घर के बाहर कालू ने अपने डेरे जमाए हुए हैं, तो इस कालू को अभी नींद आ रही, समय जा इसको घर ले जा। तो इसके मैं दुकान पे गई है, तो ये इसका इंतज़ार कर रही है कब आएगी।
वो घर का कोई सामान लेने जा रहे हैं। और गुल्लू क्या हाल है? हाँ तेरी वीडियो बनाई दिखाना। बाय बाय कार। बाय बाय। चल जाऊँ इंटर दो। किधर जाऊँ मैं? दुकान तक ही चलाएँ सब्जी। ठीक हो गया। तो यहाँ पे भाई साहब हमारी खड़ी है, क्या कहते हैं इसको, खजी का बूटा। तो अभी जितना मैं इसको छोड़ गया था तो ये उतना ही खड़ा है, ना बड़ा हो रहा है ना कुछ। तो बकरियों ने यहाँ से इसको खा लिया है, तो यहाँ से खा ले बकरियों ने। और यहाँ पे इसके और कांटे बड़े जहरीले हैं, चेक करें आप। किसी बच्चा कोई अगर किसी बच्चा इसके अंदर लग गया, छोटा बच्चा कोई भी, तो उसका काम हो जाना है। काफ़ी नुकीले हैं, जालिम है यार। तो ये वो नीम है, ये वो खजी का दरख्त है जिसे इस पर खजें लगते हैं, इसके फड़े बनाए जाते हैं जिससे छबियाँ वगैरह बनती है। तो ये वो वाली है। तो ये बड़ी नहीं है, मैं इसको पहले समझ रहा था कि ये बड़ी है, खाएंगे मस्त, जब बड़ी हो जाएगी खजी खाएंगे। वो तो पीछे का व्यू देखिए, तो अभी यहाँ पर पता नहीं क्या चीज़ कास्ट करेंगे। अभी तो भाई साहब उन्होंने हर तरफ गाय का चारा उसमें पट्टे लगाए हुए हैं, तो अभी यहाँ पे कुछ उन्होंने अभी तक कुछ कास्ट नहीं किया। तो मैं तो कल चला जाऊँगा, तो पता नहीं क्या कास्ट करते हैं।